नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निकल, क्रोमियम और इससे जुड़े प्लैटिनियम ग्रुप के एलिमेंट ब्लॉक के लिए वेदांता लिमिटेड को बोली लगाने वाली पसंदीदा कंपनी के रूप में चुना गया है और ये जानकारी कंपनी ने 16 फरवरी को जारी एक बयान में दी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल इन ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस देने के लिए नीलामी ऑर्गेनाइज की थी। कंपोजिट लाइसेंस के तहत इलाके की शुरुआती खोज हो चुकी है, लेकिन आगे खोज और माइनिंग के लिए माइनिंग कंपनियों की जरूरत होती है। दोस्तों, वेदांता ने कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई नीलामी यानी कि ई ऑक्शन के जरिए अपनी बोली जमा की थी। हालांकि अभी के समय में वेदांता ने इस नीलामी को जीत लिया है। वेदांता ने बीएससी को भेजी एक जानकारी में बताया है कि छत्तीसगढ़ के मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ओर से कंपनी को औपचारिक रूप से 14 फरवरी 2023 को एक लेटर मिला है और लेटर में निकल, क्रोमियम और इससे जुड़े प्लैटिनियम ग्रुप के एलिमेंट ब्लॉक के लिए हमें बोली लगाने वाली पसंदीदा कंपनी के रूप में चुना गया है और ये सारी जानकारी हमें लेटर से मिली है। दोस्तों, ये सिलेक्शन कंपनी की ओर से दिए गए 4.15% के सबसे अधिक फाइनल प्राइस ऑफर के आधार पर हुआ है। कंपनी ने बताया कि ब्लॉक को लेकर कंपोजिट लाइसेंस हासिल करने के लिए अभी जरूरी भुगतान करने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना बाकी है। दोस्तों, बोली जीतने से वेदांता कंपनी को ऑर्डर मिलेगा और इसकी वजह से वेदांता कंपनी को फायदा होगा, जिसका असर हमें इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।